मुस्तफा कमाल साहब के इल्जामात, वो इल्जामात बहुत संगीन हैं, छोटे इल्जामात नहीं हैं। उन्होंने इशरत उल इबाद खान साहब का नाम तक रख दिया रिश्वत उल इबाद, रिश्वत के साथ उनके जात को, उनके ओहदे को मुंसलिक किया। साजिद साहब, ये आपको लगता है कि मुस्तफा साहब की यानी पीएसपी की जो काविशें हैं या जो उन्होंने आगे बढ़ के इल्जामात लगाए, ये उनकी वजह से हुआ है जो इतने कि ना 12 साल में आप भी इल्जामात लगाते रहे अगर तो कुछ भी नहीं हो सका, तो अब उनके इल्जामात की वजह से गवर्नर को हटाया जा रहा है? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। एक 14 साल का बहुत अरसा, बहुत बड़ा अरसा हो गया था गवर्नर साहब को अपनी सीट पर बैठे हुए। अच्छा, अब इनका हम भी एनालिसिस हमने किया, मेरे ख्याल में अब इनका वक्त और टाइम भी पूरा हो चुका था। वो इसलिए कि एक बहुत लॉन्ग पीरियड से बैठे हुए थे और बहुत लॉन्ग पीरियड तक कोई बंदा किसी सीट पर बैठे तो वो मुतनाज़ा वैसे भी बन जाता है। अब पाकिस्तानी की मिसाल आप ले लें कि पाकिस्तान में वफाकी गवर्नमेंट इस वक्त है, अभी 3 साल 3.5 साल इनको आए हुए हैं, लेकिन इल्ज़ाम की भरमार लगी हुई है। तो अगर कल को कोई स्टैंड अपनी गलती की वजह से, यकीनन गवर्नर साहब एक अरसे तक अपनी सीट पर रहे हैं और इस पूरे अरसे के दौरान कुछ पॉजिटिव काम किया तो यकीनन कुछ यकीनन निगेटिव भी हुआ होगा। अच्छा, वो एक फिर गवर्नमेंट के अंदर भी पिक एंड चूज की पोजीशन होती है, कुछ कोई वक्त का इंतजार किया जाता है, और वैसे भी वफाकी गवर्नमेंट को अपना नुमाइंदा लाना था।